जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस फोर्स हिंदी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के बाद दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश फिलीपींस अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भारत से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने पर बात कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ चल रहे दशकों से विवादों के बीच सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए फिलीपींस अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए यह खरीद कर सकता है। दोस्तों, खबर को आगे जाने उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पीटीआई में आई एक खबर के अनुसार फिलीपींस अपने पुराने हेलीकॉप्टर फ्लीट को बदलने के लिए महत्वपूर्ण संख्या में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने में फिलीपींस द्वारा दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसके बाद वार्ता भी आगे चल रही है। स्वदेशी रूप से विकसित ALH हेलीकॉप्टर 5.5 टन क्लास का ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है, जिसे विभिन्न सैन्य ऑपरेशंस के लिए एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म माना जाता है। साथ ही कई अधिकारियों द्वारा यह दावा किया गया कि फिलीपींस भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के प्रदर्शन से प्रभावित हुआ है, जिसके बाद LCA तेजस को भी खरीदने पर विचार कर सकता है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देश के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में तेजी आई है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों देश का चीन के साथ सीमा विवाद बहुत लंबे समय तक रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रक्षा संबंधों में वृद्धि हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।